दोस्तों आज था आईपीएल का सातवां मैच, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस आपस में भिड़े थे। जहां पर गुजरात टाइटंस पिछले बार आईपीएल का टाइटल विनर थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इस बार पहला विन के लिए जूझ रहे थे। दोस्तों इस बार ये जो मैच हुआ बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी मैच का हाइलाइट्स, ये मैच कैसा रहा, किसने अच्छा किया रन और पूरा एनालिसिस, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच में पहले टॉस किया गया। टॉस में गुजरात टाइटंस मैच जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, और ये कोई नया नहीं है क्योंकि हर कोई लोग टॉस जीतकर इस बार फील्डिंग ही ले रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शाव मैच का शुरुआत किया और वहां पर बॉलिंग में शुरुआत किया गुजरात टाइटंस की ओर से मोहम्मद शमी। यहां पर डेविड वॉर्नर बहुत ही आक्रमणात्मक मिजाज में दिखे आज, और पहली दफा कुछ रन भी कर दिए थे। पहले ओवर में छक्का चौका जड़े, दूसरे ओवर में भी ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी ओवर में ही दो ओवर चार बॉल जब था तब पृथ्वी शाव हो जाते हैं आउट। 29 में एक था स्कोर और पृथ्वी शाव ने किया सिर्फ और सिर्फ 7 रन। इसके बाद आए मिचेल मार्श। मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर बैटिंग करने लगे, लेकिन दोस्तों वहां पर मिचेल मार्श भी 5वें ओवर पे आउट हो जाते हैं। 37 पे 2 विकेट गिर जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। डेविड वॉर्नर और सरफराज खान ने मिलकर इस मैच को आगे बढ़ाना चाहा। वहां पर सरफराज खान तो अच्छा खेलने लगे, लेकिन डेविड वॉर्नर का वापस जाने का वक्त हो गया था। डेविड वॉर्नर को अल्जारी जोसेफ बोल्ड आउट कर लेते हैं और वहां पर टीम का स्कोर था सिर्फ 67। और रिली रूसो आते हैं तब बैटिंग करने, लेकिन वो एक ही बॉल में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसी ओवर में अल्जारी जोसेफ आउट करते हैं रिली रूसो को, और इसके बाद आते हैं बैटिंग करने अभिषेक पोरेल। ये युवा बल्लेबाज विकेट कीपर बैट्समैन है, और उन्होंने आते ही एक के बाद एक छक्का जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इनिंग्स में 11 गेंदों में 20 रन बना चुके थे, और वे 2 छक्के की मदद से। और अभिषेक पोरेल इसके बाद आउट भी हो जाते हैं। 13वीं ओवर पर अभिषेक पोरेल आउट हो जाते हैं, तब दिल्ली का स्कोर था 101। सरफराज खान वहां पर मार रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा रन नहीं कर पाए। 34 गेंद में सिर्फ 30 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। सरफराज खान को आउट किया था रशीद खान ने, और रशीद खान आज बहुत ही उमदा बॉलिंग किए थे। 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट चटका दिए थे। या दोस्तों क्योंकि उनके शिकार में सरफराज खान आ गए थे। 130 पे 6 हुआ दिल्ली का स्कोर। इसके बाद अमन खान आया और अक्षर पटेल आया बैटिंग करने। दोनों इसके बाद बहुत अच्छा नहीं स्टार्ट दिला पाया, लेकिन फिर भी अमन खान आउट हो जाते हैं सिर्फ 8 रन पे, और वहां पर अक्षर पटेल बहुत अच्छा रन बनाते हुए 158 तक पहुंचा दिया दिल्ली का स्कोर, और अक्षर पटेल हो जाते हैं आउट 22 गेंदों में 36 रन बनाकर। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर होता है वो खत्म हो जाता है 162 रन पे 8 विकेट। इसके बाद आते हैं गुजरात टाइटंस का बैटिंग, और वहां पर रिद्धिमान शाह, सुमन गिल जो कि सलामी बल्लेबाज है, ये दोनों उतरते हैं बैटिंग करने, और बॉलिंग में खलील अहमद जो कि इंपैक्ट प्लेयर था वो आ जाता है बैटिंग करने। रिद्धिमान शाह बहुत ही अच्छा शुरुआत किया, 2 चौका और 1 छक्के की मदद से सिर्फ 7 गेंदों में 14 रन बना डाला। लेकिन दोस्तों तीसरी ओवर पर रिद्धिमान शाह हो जाते आउट। एनरिक नॉर्कियर ले लेते हैं रिद्धिमान शाह के विकेट। दोस्तों पिच में थे शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो कि गुजरात टाइटंस के लिए एक बहुत अच्छा रोल निभाने वाले थे। शुभमन गिल के ऊपर बहुत सारा दबाव था उनके ऊपर से, मतलब उनको अभी बहुत मैच्योरिटी के साथ खेलना था, लेकिन शुभमन गिल भी ज्यादा खेल नहीं पाए। 13 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर शुभमन गिल हो जाते थे आउट। एनरिक नॉर्कियर लेते हैं उनका विकेट। इसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या और साई सुंदरन खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या ज्यादा आज खेल नहीं पाए क्योंकि 6 ओवर में, जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले की आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या हो जाते हैं आउट। सिर्फ 5 रन बनाकर वो आते हैं, और ओपनिंग पे जो साई सुदर्शन थे वो बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे थे, और आज बहुत अच्छा इनिंग्स खेलने वाले थे गुजरात टाइटंस की ओर से। इसके बाद आते हैं विजय शंकर। दोस्तों विजय शंकर के बारे में हम सबको ही पता है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं खेल देता है, ज्यादातर वो मैच नहीं खेल पाते हैं। उनके लिए टीम इंडिया भी बहुत सारे मैच हारे हैं, और आज विजय शंकर को जरूरत था गुजरात टाइटंस को। तो दोस्तों विजय शंकर आज बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक खेल रहे थे। 23 गेंदों में 29 रन बना चुके थे। उन्होंने ले लिया था 3 चौका, लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श की एक बॉल पे LBW आउट हो जाते हैं विजय शंकर। तब गुजरात टाइटंस का स्कोर था 107 पे 4 विकेट। दोस्तों अब तक नॉर्किया 2 विकेट, खलील अहमद 1 विकेट,
और मिचेल मार्क्स एक विकेट ले चुके थे। दोस्तों इसके बाद पिच पे आते हैं डेविड मिलर। दोस्तों डेविड मिलर और साई सुंदरन मिलके खेल का नजरिया ही बदल दिया। जब लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत लेगा, लेकिन तब गुजरात टाइटेंस ने ये दो खिलाड़ी को लेकर खेल का पासा ही लगभग पलट दिया था। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन इनके बीच अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और वहां पर डेविड मिलर वो भी बैक टू बैक चौका और छक्के की मदद से 20 रन के ऊपर जा चुके थे। अभी जीतने के लिए बहुत ही कम रन चाहिए था गुजरात टाइटेंस को, और पिछले बार भी ऐसे गुजरात टाइटेंस हारा हुआ मैच जीत लिया था डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी के बदौलत, और आज भी साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने मिलकर जिता दिया गुजरात टाइटेंस को और वहां पर हार गए दिल्ली कैपिटल्स। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैच हुआ, आप अगर देखते बहुत ही रोमांचक मैच था। दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस मैच में आप अगर दिल्ली कैपिटल्स के फैन होते तो आपको दिखा था कि ऋषभ पंत अपनी वैसे ही चोटिल होकर आए थे इस मैच को देखने, अपना एक पैर वो पूरा स्ट्रेन बंधा हुआ था क्योंकि उनका सर्जरी भी हुआ था। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स या फिर गुजरात टाइटंस किसको आप सपोर्ट कर रहे थे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।